और बीड़ू। प्रधान जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है सबसे पहले आपका। जी धन्यवाद। तो जिस प्रकार से रामबद जी बैठे हुए 7 दिन हो गए साथ धोने के अंदर और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आज समझाने के लिए पहुँचे तो क्या कुछ कहना है, क्या रामबद जी की तरफ से आया जवाब? देखिए ये कुछ लोगों के अंदर एक शक्ति होती है और वो उस अपनी शक्ति से जो है वो एक तरह से परमात्मा को आगे परमात्मा तक अरदास करते हैं और वही भाई रामबद जी कर रहे हैं। और जहाँ तक समझाने का सवाल है, वो 3 तारीख को बाकी लोग भी आएंगे और वो प्रयास हम 3 तारीख तो को। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से किसान 6 महीने हो गए बैठे हुए हैं, उनकी पुकार नहीं सुनी जा रही सरकार, क्या लगता है किसान जब तपस्या करने के लिए बैठा हुआ, क्या इनकी गूंज उनके तक पहुंचेगी सरकार के कानों तक? सर नहीं, सरकार के कानों तक इनकी गूंज पहुंचेगी ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि वहां पे पहले कई किसान तो आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड नोट लिख लिख के आत्महत्या कर चुके हैं। बड़ा संत एक पहले बाबा राम सिंह जी सुसाइड कर चुके हैं, तो सरकार इससे मानेगी ऐसा नहीं लगता। लेकिन दो चीज़ होती है, सरकार माने ना माने, लेकिन लोग कितना जागते हैं। अपने आप को उतनी तकलीफ में डाल दो कि लोगों की आत्मा जाग जाए। अगर लोगों की आत्मा जाग जाए तो लोगों की आत्मा का परमात्मा से लिंक होता है। सर जिस प्रकार से रामबद जी तपस्या करने बैठे हुए, एक परिवार है इनके साथ 5 बेटियों का, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अनहोनी हो जाती है तो फिर 5 बेटियों के लिए रखवाली कौन करेगा? नहीं देखिए, पहली बार तो परमात्मा करे कि ऐसी कोई ना हो, हम भी उनसे बेनती करेंगे। और दूसरी बात, अगर वो 5 बेटियां इनकी हैं, अब इनकी नहीं है, उसके बाद तो किसान समाज की बेटियां हों। तो आज रामबद की तरफ से क्या जवाब आया, जैसे आज आप आए थे समझाने के लिए भी आप ये छोड़कर? बस वो सारा 3 तारीख को ही सारा फैसला। अच्छा, किसान भारतीय जो किसान यूनियन है सर, उनकी तरफ से आगे जो सरकार है या अपना यूनियन है, उनकी तरफ से कोई नया प्लान बनाया गया कि जिस प्रकार से बार बार नए प्लान आ जाते हैं, अभी आज विरोध करना है तो 5 तारीख को सारे जितने बीजेपी के और जेजेपी के लीडर हैं पूरे देश में, उनके आगे प्रतियां चलाई जाएंगी, 3 काले कानूनों की प्रतियां चलाई जाएंगी 5 तारीख। सर आपकी बार देखा है, लोकतंत्र नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 6 महीने हो गए, ऐसा इतिहास में पहली बार होगा और इतिहासकार एक ये बन चुका है सर आंदोलन, और ये जिस प्रकार से हठधर्मिता दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से, ये पहली बार दिखाई जा रही है सर, क्या कुछ? देखिए लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं, अगर लोकतंत्र के हिसाब से गिने तो परसों मोदी ने मन की बात कही है और उस मन की बात में जितने लोगों ने लाइक किया उसको, उससे 7 गुना लोगों ने डिसलाइक किया, यानी उससे 7 गुना लोग उससे नाराज थे। तो लोकतंत्र तो फिर ये कहते हैं उसको रिजाइन दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है, यहाँ तो बस एक बार वोट डालो तो लोकतंत्र हो गया, वो भी चाहे मशीन में हेरा फेरी कर लो चाहे वोट खरीद। 3 तारीख को क्या प्लान है सर, यहाँ जैसे आने के समझाने के लिए क्या मतलब प्लान? 3 तारीख को हमें सभी लोग आएंगे यहाँ और फिर आके देखेंगे पूरी पंचायत। ठीक है, धन्यवाद।